जय श्याम। जय श्याम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। जय श्री राम। तो ये आप देख रहे हैं जोश और उमंग। आज विजय दशमी का पर्व है। हम हिंदू सभा मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने हैं। हमारे बिल्कुल ठीक सामने महादेव जी की मूर्ति है और आज शाम को होगा रावण दहन। हमारे समक्ष मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं आयोजन कमेटी के कुछ मेंबर बैठे हुए हैं और आप उनके चमकते हुए चेहरे देख सकते हैं, क्योंकि एक सफल आयोजन है जो उन्होंने किया है और उनके बैजेस देख के आप जान सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा आज के इस आयोजन के बारे में, ताकि जो लोग इसे लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे भारत में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, कहीं भी, वो जान सकें कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में दशहरा कैसे मनाया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। जी बताइए, सबसे पहले मैं किससे प्रश्न पूछूं? जिससे आपका दिल करे। चलिए, आप मेरे सबसे समीप हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है जी अनिल जैन। अनिल जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप सबका भी स्वागत है जी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, जो बहुत दूर बैठे हैं, भारत में बैठे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, उन्हें आज बताइए क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। इस वक्त जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है, लोग आ रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग खाना खा रहे हैं, स्टेज पे प्रोग्राम ऑलरेडी सेट हो रहा है। अभी आधे घंटे में जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हवन वगैरह होगा, कुछ भजन होंगे, फिर बच्चों का कल्चर प्रोग्राम होगा, बच्चे छोटे छोटे डांस करेंगे। उसके बाद जो है ये कंटिन्यूटी प्रोग्राम की रात के 8:30 नौ बजे तक चलती रहेगी। उस रामलीला होगी जो 5:30 शुरू होगी और वो 8:30 तक चलेगी। उसके बाद रावण का दहन होगा जी। तो ये आज का सारी आर्टनरी है जी। क्या अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अश्विनी जोशी है। अश्विनी जी, आपका जी जी बताइए। और हिंदू समाज का जो दशहरा है 95 से चला आ रहा है जी। हर वर्ष जो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का, आने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आने वाले समय में भी ऐसा ही चलता रहेगा। अब 3:30 बजने के करीब हैं और पार्किंग लॉट बिल्कुल फुल हो चुका है अब, और बाहर जो लोग हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं जी। हम यहाँ देश में और विदेश में सभी को ये बता रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स को बताओ, ये जो है कार्यक्रम लगभग 9 और 10 बजे तक चलेगा जी। धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि यहाँ की आबादी बढ़ रही है भारतीयों की, तो क्या यहाँ धर्म में आस्था भी बढ़ रही है? बिल्कुल। और क्या ये धर्म में आस्था और ये जो पर्व विशेषकर लोगों को एक साथ लाने में ये कामयाब हुआ है? बिल्कुल कामयाब हुआ है। हमें यहाँ सब तरह के सब धर्म के लोग यहाँ आकर वो आनंद ले रहे हैं और वर्षों से ले रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इससे भी और बढ़ बढ़ कर लेंगे। ठीक है। और मैं आप में जानना चाहूँगा, आप सब भारत से संबंध रखते हैं, आप कोई अपने बचपन की याद है कोई जो बताना चाहेगा, जब आप छोटे थे और आप मान लीजिए 5वीं 6वीं क्लास या कभी भी किसी भी समय, कोई विशेष याद जुड़ी है रामलीला से, कोई उसके हमारे साथ बताना चाहेगा? जी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं कोई भी याद। बचपन में आप जाते होंगे, आप जैसे हम इस समय अक्टूबर में हम अक्सर कहते हैं कि इस समय हुआ ये करता था कि हमारे मुंह से, अगर हम दिल्ली से हैं तो नॉर्थ इंडिया से हैं तो ठंड बहुत बढ़ जाती थी, अब ठंड कम हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और आपके यहाँ पे विशेष